नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मार्गदर्शक बिहार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पुलिस कप्तान हृदयकांत के नेतृत्व में अररिया पुलिस पुलिस सप्ताह काफी सक्रियता और उत्साह के साथ मना रही है। पुलिस सप्ताह का जो उद्देश्य है, अररिया पुलिस उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा जनता से संपर्क साधा जा रहा है। अररिया को अपराध मुक्त बनाने में जनता से सहयोग मांगा जा रहा है। जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वे पुलिस पर भरोसा करें, पुलिस का सहयोग करें। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि वे किसी बुरे मार्ग पर ना चले, क्योंकि अपराधी भी हमारे समाज से ही होते हैं और पुलिस भी हमारे समाज से ही होते हैं। जो जिस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे उस तरह अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त अररिया बनाने में पुलिस का सहयोग करें। आज पुलिस सप्ताह के तीसरे दिन अररिया में नगर थाना परिसर से बस स्टैंड तक पुलिस कर्मियों तथा स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी के माध्यम से सड़क पर सुरक्षित चलने का संदेश दिया गया, जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, जबरदस्ती ओवरटेकिंग ना करें, अपने साइड से गाड़ी चलाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशा में गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी सीमित गति से चलाएं। इसके अलावा भी पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मुक्त बिहार आदि कई संदेश दिए गए। इससे पहले भी पहले दिन मैराथन दौड़ व दूसरे दिन पेंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अररिया बस स्टैंड में अररिया नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार तथा अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने लोगों को संबोधित भी किया। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया। हमारे समाज में कोई व्यक्ति शराब का सेवन ना करे, हमारे समाज में, हमारे अररिया में, हमारे बिहार में, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जल जीवन हरियाली, सभी तरफ जल ही जल, सभी तरफ हरियाली हो, जल ही जीवन है विशेष रूप से तय। और हम लोगों के आज प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर यह था कि समाज में ये संदेश फैलाना है कि दहेज लेना अपराध है, दहेज प्रथा बहुत पहले बंद किया जा चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन चंद स्लोगन के साथ हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाला था। प्रभात फेरी निकालने के पीछे मकसद यही था, सिर्फ स्लोगन नहीं बताना था, समाज को एक संदेश देना है, इन बच्चों के माध्यम से ये समाज को संदेश देना है कि हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ेगा और समाज को जो भी कुरीतियां हैं, इन बच्चों के माध्यम से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि उन कुरीतियों को दूर करना है। सबसे अहम समाज को शराब मुक्त बनाना है। हमारा अररिया परिवार, अररिया पुलिस परिवार आज की प्रभात फेरी में शामिल हुए सभी लोगों को, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे एसडीपीओ सर, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। आज तीसरा दिन है, जैसा कि विदित है आप लोग, इसकी आगाज हुई थी रन फॉर पीस के रूप में, सुभाष स्टेडियम से बस स्टैंड और बस स्टैंड से सुभाष स्टेडियम तक
बच्चे लोग दौड़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसोलेशन प्राइज है। और इस कार्यक्रम का समापन होगा 27 तारीख को, उस दिन पारितोषक वितरित किया जाएगा। समाज में पुलिस का जो रोल है वो जनता के प्रति कितनी संवेदनशील रहे, और जनता के प्रति संवेदनशीलता के लिए ही यह कार्यक्रम बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। हम जन सेवा में अपनी रक्तांजलि अर्पित करते हैं, हम जन सेवा में अपने आप को मिटा देते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्यों को, हमारे कार्यों को लोग नहीं जान पाते हैं। इसकी जानकारी भी हम आम जनता को, पब्लिक को देना है, और पब्लिक से भी एक्सपेक्ट है कि वो हमारे से क्या चाहती है। हम इस समन्वय को स्थापित करेंगे। अगर पुलिस और पब्लिक का समन्वय नहीं होगा, तारतम्य नहीं होगा, दोनों में संवादहीनता रहेगी, तो इस गैप को कोई असामाजिक तत्व जो है भर लेंगे। जो असामाजिक तत्व पुलिस और पब्लिक के बीच जो खाई पैदा होगी, उस खाई को भरने का काम करेगा। और वही असामाजिक तत्व समाज में नक्सलवादी या अतिवादी प्रतिक्रिया के रूप में होता है, या जहां जो कहें कि वो बीच में दलाल या ऐसे वर्ग पैदा हो जाएगा जो आम जनता से पुलिस को दूरी करेगा। तो दूर होने पर पुलिस के प्रति जो लोगों की आस्था है वो कम होगी, और धीरे धीरे लोग जो होता है उसको कहते हैं सोशल रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन हो जाएगा, दूसरे विचारधारा में लोग चले जाएंगे कि पुलिस का हमारा काम नहीं होता, तो हम नक्सलवादी विचारधारा को अपनाएंगे, हम कोई विचारधारा को। इसी को मिटाने के लिए पुलिस और जनता के बीच संवाद हिंदा न बने, इसके कारण ये पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों का विभिन्न कार्यक्रम है। पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ है कल, आज प्रभात फेरी निकाले गए, मैं स्पोर्ट्स स्कूल मोनी देवी और आइडियल इंस्टीट्यूट जो स्कूल है इसकी बच्चियां, बच्चे जो तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, जो नगर अध्यक्ष बीजेपी की या सोशल वर्कर सुष्मिता ठाकुर जी हैं, हमारे साथ इस शरीक दे रहे नौशाद जी हैं, लोकेश है, युवा मेरे जितने पत्रकार बंधु हैं जो मीडिया में इसको बढ़ चढ़ कर कवरेज दे रहे हैं, मैं इन तमाम लोगों का बिहार पुलिस सप्ताह के आज तीसरे दिन में स्वागत करता हूँ। उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है पुलिस के साथ आए, और पुलिस और पब्लिक अगर साथ आ जाएगा रिलेशन होगा तो समाज से अपराध को जड़मूल नष्ट किया जा सकता है। अपराधी का कोई नहीं है, अपराध को जड़मूल नष्ट करने के लिए पुलिस पब्लिक को साथ आना ही होगा। और इसमें जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन हरियाली, आप सारे लोग जानते हैं, सब स्टूडेंट है, कि अगर हम अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते हैं, धन दौलत कुछ नहीं, लेकिन अगर हम अपने पर्यावरण के रूप में उसको अच्छा पर्यावरण दे देंगे तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा पूंजी होगा। लोग आज ऑक्सीजन लेने के लिए पार्लर में जाते हैं, पर एक पेड़ से कितना फायदा है, 50 लाख रुपया का ऑक्सीजन जो है एक पेड़ से मिल सकता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये जल जीवन हरियाली। ये सारे कार्यक्रम है, दहेज लेना अपराध है, आप लोग सब जानते हैं, दहेज समाज का कोड़ है, बच्चे बच्चिया में समानता का अधिकार है, सब साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है, सब बढ़ रही है। और हम तो जान रहे हैं कि महिलाओं को इतना माननीय वही मुख्यमंत्री बिहार सरकार संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, कि उन्होंने अपने सेवा में सरकार की किसी भी सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है, पंचायती चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, तो आप समझ रहे हैं कि कितना संवेदनशील सरकार है महिलाओं के प्रति। इसलिए हम लोग जो है बच्चियों को, सारे लोगों को कहते हैं कि मुख्यधारा में सबको रहना है, समाज परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाना है, हम पुलिस आपके साथ 24 घंटे हैं, साथ रहेंगे। और आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए हम तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हैं, और प्रधान जी को भी मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूँ, ये हमेशा इनिशिएटिव लिए, नौशाद जी को हम धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मी को हम फिर से एक बार सबको हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस सप्ताह में आज प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए। इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मार्गदर्शक बिहार, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी प्रत्येक खबर, हमारा प्रत्येक कार्यक्रम आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।